क्या वजह है? देखिए ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है, जो पाखंडी है, जिसके लिए खुद हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने कहा है कि ये पाखंडी है, उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गुस्ताखी की है और नाजेमा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे शिया समुदाय को नहीं, मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि हमारे हिंदू समुदाय को भी बहुत ठेस पहुँची है, उनकी आस्था को ठेस पहुँची है। हमारे मुरारी बापू जैसे व्यक्ति के, जो हिंदुस्तान के एक सर्वमान धर्मगुरु हैं, जो तमाम हिंदू उनके पर आस्था रखते हैं और उनसे श्रद्धा, वो जब अपने प्रवचन को शुरू करते हैं तो वो अली अली मौला से शुरू करते हैं, चाहे रवि रवि कृष्ण हो। तो ये मुसलमानों का मैटर नहीं है, शियों का मैटर नहीं है, बल्कि ये हमारे हिंदू भाइयों का भी मैटर है, ठीक है। उनकी उसने तौहीन की है, लिहाजा हम यहाँ आए थे और हमने आके यहाँ गुजारिश की है कि मुकदमे, तो मैं पेन ड्राइव में वो बयान भी उसका लेके आया था, तो उसका एक बयान कोई टूटा फूटा चल रहा है, कहा गया माफी मांग ली, लेकिन दोनों बयानों में कोई समानता नहीं है, जो गुमराह करने वाला उसका बयान है। तो मैंने बयान दे दिया है और मैंने एप्लीकेशन दी है, हमको आश्वस्त किया गया है कि हम इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो फिर आगे के रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं और फिर हम जो हैं, जो आज रिसीविंग है उसको लेके अदालत तक भी जाएंगे, अदालत का दावा। और एक बात आपसे और कहते चलूं इन कैमरे और माइक के ऊपर, कि धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म गुरुओं को हमारे चैलेंज किया है, हमारे धर्म का अलियन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा 12 साल का, वो धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उसके 5 सवालों का जवाब नहीं दे सकते, वो उसकी उसकी बाबागिरी खत्म करवा देगा। 5 सवाल का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री नहीं दे सकते, धर्मगुरु बहुत ऊपर है, 12 साल का बच्चा हमारा जो है वो चैलेंज कर रहा है कि हमारे 5 सवालों का जवाब दे के दिखा।